असेंबलियों में बैठकर सारे मुत्तहिद होके हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्यों? क्या मसला है तुम्हें? हमने तो मुल्क नहीं लूटा, असी तो कर्जे माफ कोई नहीं कराए, अस पीड़ा और ते फकियां और, असी ते मुल्क का पत्ता भी तोड़न दे रवादार नहीं, जिन्हें तोड़े उन्होंने नपो ना ना पीड़ा और होने नहीं होना। बच्चो मैं इकबाल दसो जी तुसी किवें सुनी सी गल, इकबाल दसो किवें सुनी तुसी गल, हुजूर दा दीन आना है कि नहीं आना? इकबाल का नहीं, इकबाल को पूछ दिया ना, और दसो जनाब, इकबाल कहता निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। हाँ जी, कलंदर लाहौरी, दरवेश लाहौरी, रसूलुल्लाह के आशिक के सादे सनाफिर रसूल, दसो जी इकबाल तुसी की वे फरिश्ते को की सुनिया? इकबाल कहता निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। इकबाल कहता मदीना मुनवरा से जो हजूर ने दीन का ऐलान फरमाया मक्का मुकरमा से, इकबाल कहता उन्हें निकल कर ना जंगलों विचों ते दो सुपर पावर उल्टा पुलटा दितिया, दो सुपर पावर ढा दितिया। मैं क्या इकबाल ये तो हूं गल हो ना पुरानी, मुस्तकबिल की गल कर की होना है? सदा से लुटिया जाना है? कहना नहीं, सदिया नहीं लुटिया जाना। मैं कहा फिर की होना है? कहना निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार हो। अलामा इकबाल दी असी नजरियात दी गल कर रहे हैं, तुसी तो नसाब विचों कढ़िया, असी इकबाल दी आवाज उठाई। जेडे इकबाल दे नाम ते सारी जिंदगी रोटियां खांदे रहे, असी इकबाल दे नाम ते रोटी नहीं खाधी, ना इकबाल नू जनाब असी इस्तेमाल किया पैसों वास्ते, असी तो इकबाल का हर जगह ना लेंदे आ। असी साल बाद इत्थे स्पीकर लिया के असा जनाब एवें नहीं जनाब बेढंगी किस्म की गुफ्तगू की दी, असी इकबाल के नजरियात नू पूरी दुनिया से जरा मैं ते आरे हिरा दे जदों थले उतरिया तो ईरानिया ने मैनू कहा इकबाल नू जानदा, जो मैं इकबाल पढ़ना शुरू किया तो नचण लग पे, मैं तो गारे रात भी इकबाल नू पढ़िया सी। इकबाल असी इतने नजरियात इकबाल की गल करना, असी कोई सियासत चमकान नहीं आए, कईयों नू परेशानी होती हूँ दसो केड़े पासे जाइए, मुल्क भी साडा, बाबा भी साडा, मुसव्विर भी साडा, आशिक भी साडा, असी केड़े पासे इंडिया जाइए, एथी असी गल करनी और बाबे दे सामने गल करनी। हाँ तवज्जो तवज्जो भाई, मैं अलामा इकबाल को एक सवाल है, तुसी दसो जनाब इल्मुद्दीन दे जनाजे दी पहली सफे तुसी खड़े होयो, क्यों जी? तुसी इल्मुद्दीन दे जनाजे दी पहली सफे खड़े हो के आशिक़े रसूल बने ते असी मुमताज कादरी दा नाम लैके क्यों दहशतगर्द बने? ऐ सवाल है अलामा को, जनाब दसो जी असी किवें दहशतगर्द बणे? बाबा जी को गलत काम कर बैठे? असी बड़ी मुहब्बत नाल कहंदे आ कि अलामा इकबाल दे 9 नवंबर की छुट्टी बहाल कर दो, तुहाड़ी मेहरबानी, तुहाड़ी भी नेकनामी होएगी। पहले ने खत्म की थी, तुसी उन्हां दे मुखालिफ जाहिर हुकूमत आई है तो मुखालफत का मतलब है कि भाई तुसी चंगे काम करो उन्होंने, उन्हें खत्म की थी गैरां नूं खुश करन वास्ते जी इकबाल ना पढ़ाया जाए, ये बच्चे जवान ना हो जान, ये बच्चे किधरे समुद्र च घोड़े ना सुट देन, ये बच्चे किधरे जनाब हजूर की इज्जत आबरू वास्ते जनाब जाना ना देनिया शुरू कर देन। तो इन्हें चूंकि मुमताज़ नू फटे लाना सी, उस तो पहले इन्होंने अलामा की छुट्टी कैंसल की थी, क्योंकि अगर मुमताज़ नू फटे लाते तो इकबाल की छुट्टी बहाल होती तो लोगों पूछना सी ना, और दसो फिर इकबाल इल्मुद्दीन नाल क्यों खड़े होए? फिर अलामा इकबाल इल्मुद्दीन की कबर क्यों उतरे? अलामा इकबाल कबर उतरे, उतर के इल्मुद्दीन के बंद खोले, तो बंद खोल के झुके, तो झुक के क्या इल्मुद्दीन और तैनू अंग्रेजा ने लावारसा के कब्रिस्तान दफन किया, मैं शख्सी जमानत दिती अलामा इकबाल, शख्सी जमानत दिती गवर्नर अंग्रेज नू, उन्हें क्या हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा, इकबाल क्या फसाद होया, मैनू कतल कर देना, आशिक रसूल का जनाजा लाहौर आण दो। ये इकबाल है, नाल सिकंदर आजाद की कबर भी है, बच्चे जेडे पुलिस आले खड़े ने परले पासे इन्हां नू नजर आ रही नाल ही कबर सिकंदर आजाद की, ए परे नाल ही बिल्कुल ए सिकंदर आजाद, तुहानू पता ही नहीं होना नाल इत्थे कबर है सिकंदर आजाद की। हाँ जी, ए दूसरी जंग अजीम ना ये गया उथे मिसर गया, अंग्रेजा का चमचा सी चूंकि उथे गया फौज भर्ती करके वापस आया तो मौलाना गुलशेर साहब तलगंग टेई तकरीर कर रहे सन,
किसी ने क्या हो मिसर गया ते हरम काबा ते हरम नबी च नहीं गया सिकंदर आयात ते मौलाना बरजस्ता तकरीर कर दिया फरमाया हरम को बंदा है लातो मनात क्या जाने खुदा के घर को सिकंदर हयात क्या जाने ऐ फर्क है ऊपर लेटे फाते पढ़ने वाला कोई नहीं इतने झुक झुक के सलामा हो रही है। मैं कहा इकबाल की वजह है कह लगा तेन पता नहीं कि मुहम्मद से वफात ने तो हम कि मुहम्मद से ये जहां चीज है क्या बस हुजूर दे दीन नाल खड़ा होना है हुजूर दे दीन नाल अलामा इकबाल एन झुके इल्मुद्दीन दा बंद खोले सुनो जी एवें नहीं इतने जनाब लोग सलामा करन आ रहे एवें फुल नहीं पाता प्यो की कबर से भी 100 रुपए के फुल कोई नहीं पाता एवें असी जनाब कभी भी नहीं इकबाल असी तेरे को आया कि तू खुद सानू कह गया क्यों जी फकीर हम अज तू खा हम हर च खा हम हजूर मैं थोड़े दर का फकीर हाँ जो मंगसा थोड़े को मंग तू दरे रसूल का फकीर है तो असं भी फकीर तेरे दर उ आ गए जनाब लाओ जी अलामा इन झुके बिल्कुल टाइम करीबे अलामा इन झुके इल्मुद्दीन दे बंद खोले कफन दे बंद खोल के कहन लगा इल्मुद्दीन और मैं तेरी वसीयत पूरी की थी अंग्रेजा तेन लावारसा के कब्रिस्तान दफन किया मियाँ वाली मैं तेन लाहौर ले आया तेरी वसीयत सी मैं मियाणी साहब का बनाना है मैं तेरी वसीयत पूरी की थी हुण मेरी भी एक वसीयत है जब रसूल अल्लाह तशरीफ ले आन तो मेरा सलाम जरूर पेश करे तो जो अगली गल इकबाल आके बार दसी नहीं इकबाल छाल मार के कबर चो बाहर आ गए जो बाहर आए ना तो छाल मार के चीख मार दी पीर सैयद जमात अली शाह साहब का हाथ पकड़िया ते कहन लगा शाह जी असि तो गल ही करते रह गए और तरखान का पुत्र बाजी ले गया तो जो मैं जी गल करन लगा इकबाल अगली गल राज दसिया नहीं राज पता है की होया अलामा ने जब बंद खोले ना तो इल्मुद्दीन का चेहरा अनवर सामने आया इंज गल की कि मेरा हजूर न सलाम देवी इल्मुद्दीन कह लगा निकलो तो सही ना हजूर आम तो दो देर क्यों करा रहे हो निकलो तो सही ऐ जो गल इल्मुद्दीन ने की इकबाल चीख मार के बाहर आ गया उत्थे फिर इकबाल ने कहा शाह जी मैं कबर कुछ होर वेख के आया बादशाह ऐ गल की मुहम्मद से वफातू ने ये जहां चीज है क्या तेरी निगाहे नासे दोनों मुराद एंज नहीं शेरो जोर लाना तेरी निगाहे नासे दोनों मुराद तेरी निगाहे नासे दोनों मुराद तेरी निगाहे नासे तेरी निगाहे नासे असी कोई सियासत करन इत्थे नहीं आए मतलब किसी नूं ए वी दर्द होवे लबैक दा नारा ते की मानी नारा है इकबाल कहंदा बा खुदा दर परदा गोयम बात गोयम आशकार या रसूल अल्लाह पिनहा तू पैदा है मन इकबाल कहता या रसूल अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ आप सामने सामने बात करता हूँ इकबाल ते हज ते भी नहीं गया लाहौरों पे के आमने सामने किवें गल करदा सी बस ए लबैक दा मान नहीं है वे हुजूर दे सामने अरज करके हुजूर मैं हाजिर मैं हाजिर मैं हाजिर ए ते इकबाल कहंदा कहंदा गया क्यों जी मुसलमान फकीर कज कुलाहे रमीद सीने उ सोजिया है दिलश नालद चरा नालद नदानद निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे या रसूल हां निगाहे यार ऐ लबैक दा माना है और की माना है इकबाल कवे निगाहे या रसूल अल्लाह मैं हाजिर इकबाल मुसव्वर पाकिस्तान होवे ते असी लबैक कवीए ते सियासी बन जाइए लाओ जरा लबैक दा नारा वल करके सुन ला।
مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔